Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to see about four bar mechanism. इस वीडियो में हम लोग फोर बार मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसी के साथ साथ हम लोग फोर बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे. उस इन्वर्जन्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला कि ये वो इन्वर्जन्स किसने दिया, मींस हम लोग सिंपली ग्रेसोफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो हमारे इन्वर्जन्स होते हैं फोर बार मैकेनिज्म की, उसको हम लोग कैटिया में जाके मोशन, उसकी मोशन एनालिसिस करेंगे. तो वो एक तरह का शॉर्ट एनिमेशन भी हो जाएगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ फोर बार मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है. ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट कम टू द फोर बार मैकेनिज्म. फोर बार मैकेनिज्म एक काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है जिसको समझना काफ़ी ईजी है. इसमें सिंपली हमारे पास फोर लिंक्स होते हैं. पहला लिंक क्या होता है, फिक्स लिंक होता है. दूसरा लिंक क्या होता है, हमारा क्रैंक होता है. थर्ड हमारा कपलर रॉड, यू कैन से उसको हम लोग कनेक्टिंग रॉड भी कहते हैं और कपलर रॉड भी कह सकते हैं. और लास्ट होता है हमारा फोर्थ लिंक, जिसको हम लोग आउटपुट लिंक कहते हैं. ओके, तो ये हमारा फोर बार मैकेनिज्म हो गया. नाउ हम लोग इन्वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस फोर बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स के बारे में. अब बिफोर गोइंग टू दिस इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है. जैसे कोई मैकेनिज्म है, इसमें जैसे हम लोग लिंक वन को फिक्स किए. ओके, इसी तरह हम लोग अलग अलग लिंक को फिक्स करेंगे तो एक अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म बनते हैं, तो उसी को हम लोग इन्वर्जन्स कहते हैं. सिर्फ ऐसा फोर बार मैकेनिज्म में ही नहीं होता है. ऐसा आप अगर किसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जाए या किसी और मैकेनिज्म में जाए, तो वो ऑब्वियसली उसमें एक लिंक फिक्स होता है, उसी लिंक को फिक्स हटा के कहीं और किसी और लिंक को फिक्स किया जाए तो वो मैकेनिज्म बदल जाता है. तो उसी को हम लोग इन्वर्जन्स ऑफ फोर बार मैकेनिज्म कहते हैं. ओके, अब देखेंगे कि फोर बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स कितने तरीके के होते हैं. पहला डबल क्रैंक, दूसरा क्रैंक रॉकर, तीसरा डबल रॉकर. अब देखिए क्रैंक और रॉकर का मतलब क्या है. क्रैंक मतलब क्या है कि अगर कोई लिंक 360 डिग्री रोटेट हो रहा है तो उसे हम लोग क्रैंक कहेंगे, अगर कोई रोटेट नहीं हो रहा है तो उसे रॉकर कहेंगे. सिंपल. तो ये जो मैकेनिज्म्स हैं, इसका नाम इसी बेसिस पे रखा गया कि जो आउटपुट और इनपुट लिंक है, अगर वो दोनों रोटेट हो रहे हैं 360 तो वो डबल क्रैंक हो जाएंगे, अगर वो दोनों 360 नहीं हो रहे हैं तो वो डबल रॉकर हो जाएंगे, और अगर एक हो सकता है रोटेट हो रहा हो पूरा, एक हो सकता है कुछ ही एंगल रोटेट हो रहा हो, तो वो क्रैंक रॉकर हो जाएंगे. ठीक, तो इसी के बेसिस पे इन इन्वर्जन्स का नाम रखा गया. ओके, अब हम लोग ग्रेसोफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेसोफ लॉ क्या है, वो इन इन्वर्जन्स को डिफाइन करता है कि ये इन्वर्जन्स कैसे पॉसिबल हैं और ये इन्वर्जन्स कैसे बनाए जाते हैं. ओके, नाउ ग्रेसोफ लॉ में हमारे तीन कंडीशंस आते हैं. ओके, पहला क्या है कि अगर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन करें वो हमेशा छोटा या इक्वल होना चाहिए किसके, रेस्ट ऑफ टू के. ओके, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसमें, ऐसे कंडीशन में हम लोग इन्वर्जन्स कैसे बनाएंगे. पहला केस ये है कि अगर सबसे छोटे वाले लिंक को हम लोग फिक्स कर देते हैं तो वो लिंक क्या हो जाता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म. सॉरी, वो लिंक नहीं, वो मैकेनिज्म क्या हो जाता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म. ओके, अगर वही शॉर्टेस्ट लिंक क्या हो, फिक्स लिंक के एडजेसेंट हो, यानी यू कैन से उसके बगल में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म. ओके, और वहीं अगर शॉर्टेस्ट लिंक कपलर बन जाए, कपलर मीन्स व्हाट, कनेक्टिंग रॉड बन जाए, तो वो मैकेनिज्म क्या हो जाता है, रॉकर मैकेनिज्म हो जाता है. ओके, ये तो पहला केस था. वहीं दूसरा केस क्या होगा कि अगर एस प्लस एल, हमारा जो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट लिंक है वो छोटा ना हो पी और क्यू के, रेस्ट ऑफ टू लिंक के, तो वैसे मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं, रॉकर मैकेनिज्म हो जाते हैं. और लास्ट केस क्या है कि अगर एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाता है तो वो पैलोग्राम मैकेनिज्म हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया इन्वर्जन्स ऑफ फोर बार मैकेनिज्म. अब इसके सम एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि पंप जैक मैकेनिज्म हो गया, वो क्या होता है, एक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होता है. जैसे कि कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव हो गया, लोकोमोटिव में जो ट्रेन्स में लगे रहते हैं वो डबल क्रैंक मैकेनिज्म हो गया. ओके, नाउ अब हम लोग मोशन एनालिसिस पे चलते हैं. मोशन एनालिसिस हम लोग कैटिया सॉफ्टवेयर पे करने वाले हैं. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसको हम लोगों ने 40 mm लिया है, लॉन्गेस्ट को 300 mm, और रेस्ट ऑफ टू को 200 mm एंड 150 mm. ओके, इसको हम लोग एक एग्जांपल की तरह से भी समझ सकते हैं. ओके, तो देखिए
इसमें हम लोग अगर हम लोग किरचॉफ लॉ लगाए तो एस प्लस एल जो है वो छोटा हो रहा है किससे, पी प्लस क्यू से। ओके, साफ साफ दे सकते हैं। तो अब चलिए किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। पहला केस क्या था कि शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया। ओके, तो अब अगर हम इसका मोशन करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, डबल क्रैंक होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ये डबल क्रैंक है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग इनपुट पे हम लोग 360 रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट पे भी 360 रोटेशन मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस शॉर्टेस्ट लिंक की जगह हम लोग शॉर्टेस्ट लिंक को एडजस्टेंट कर देते हैं, यानी कि बगल में कर देते हैं फिक्स वाले लिंक के। ओके, जैसा इसमें देख सकते हैं हम लोग क्यू लिंक को फिक्स कर रहे हैं। ओके, तो इस क्यू लिंक को फिक्स करेंगे तो ये मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसके अगर हम लोग मोशन एनालिसिस करें, मैनिपुलेशन कर रहे हैं अगर, इसमें हम लोग देख सकते हैं साफ साफ इनपुट लिंक को तो 360 घुमा पा रहे हैं, यानी शॉर्टेस्ट लिंक को, लेकिन जो लॉन्गेस्ट वाला है जो इधर जो और जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, फुल 360 रोटेशन नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब ये रॉकर है। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। नाउ लास्ट वन, डबल रॉकर अगर बनाना है तो डबल रॉकर बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि शॉर्टेस्ट लिंक हमारा क्या हो, कपलर बन जाए और यूनिवर्स कनेक्टिंग रॉड बन जाए। इसमें हम लोग यही करने वाले हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें जैसे कि हम लोग इनपुट पे अगर रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों ही रॉकर की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर बार मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन्स ऑफ फोर बार मैकेनिज्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।